बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सुहेल ने अरशद ने इतना ज्यादा खा लिया बोटी ना, तो भैया गलती हो गई, माफ कर दीजिए। देख लो, गौर से देख लो, दूल्हा यहाँ घूम रहा है। जब आपको एड्रेस ना पता हो ना तो यही होता है। अभी हम लोग कितनी उम्र हो गई काका? 82 साल के हैं। लेकिन कोई तो हम लोग लेते हैं पहले मिठाई का मजा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी बच चुके हैं 12:15, 15 मिनट बचा है सिर्फ 12 बजने में। और आज जो हमारे गांव में शादी है, और आज हम लोग जाने वाले हैं बारात। तो आज आपको दिखाऊंगा गांव की शादी कैसे होती है, गांव की बारात कैसे होती है। तो आप ये सामने चेक करें, सारे बाराती यहाँ रेडी हैं। 1, 2, 3, 4 हैवी ड्राइवर वहां खड़ा है। और सामने देख लें, वो वहां घर है, वहां उस घर में शादी है। सारी गाड़ियां आके खड़ी हैं बारात के लिए। तो अभी कुछ ही देर में बारात निकलने वाली है, तो आप वीडियो में बने रहिए, आज बड़ा मजा आने वाला है। गांव की शादी आपको दिखाने वाली है। और ये हमारे काका हैं, देखो बहुत ही बुढ़े हो चुके हैं, और सारे बच्चे इनको मामा बुलाते हैं। और जैसे कोई मामा बुलाएगा भाई, सारे बच्चे मामा बुला रहे हैं, तो मामा बुलाएंगे तो इनसे गाली खाएंगे। काका लेकिन मामा, लेकिन वीडियो में शांत हैं, क्योंकि वीडियो बन रही है इसलिए शांत हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे हैं। कितनी उम्र हो गई काका? 82 साल के हैं। लेकिन कोई कह सकता है 82 साल के? ऐसा लग रहा 100 साल के हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, आधार आधार नहीं चेक करेंगे। तो ये तुम्हारा भांजा खड़ा देखो बगल में, मामा मामा कह के बुला रहा था अभी। इतना मारा भाई झील का। गलत बात, गलत बात, गलत बात। मतलब मामा बुलाते ही मामा बुलाते ही इनका पारा गर्म हो जाता है। तो भैया जी, बारात निकल गई, हम लोग सबसे पीछे हैं। और हम लोगों को ये नहीं पता बारात जाना कहाँ है, गांव का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अच्छा, जिसके मतलब जिसके यहाँ शादी है, वो भाई साहब को फोन लगा रहे, तो कह रहे हैं हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मतलब गांव का नाम नहीं पता है, कह रहे मैं आ रहा हूँ। और ये हमारे मैनेजर साहब देखो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं फिर से कि भैया गाँव का नाम बताओ यार, कौन से गाँव हम लोग आएंगे। बारात कहाँ रुकी भैया? क्योंकि बराती सारे आगे निकल गए, हम लोग आराम आराम से पीछे निकले, हम लोग लेट निकले, 10-15 मिनट लेट निकले हैं। तो अभी देखते हैं, पता करते हैं गांव का नाम। तो भैया जी पता चल गया, अभी फोन लगाया फिर से हम लोगों ने, तो जाना हम लोगों को तिलौली या बिलौली, पता कोई चौराहा है, वहां पे सारी गाड़ी रुकी हुई है, तो वहां हम लोग भी जाएंगे, तो एक साथ फिर बारात निकलेगी। और वहां से कोई गांव है कमरिया। तो ये भाई आ गया चौराहा, जो चौराहे पे हम लोगों ने आना था। हमारे मैनेजर साहब कह रहे हैं अभी एनर्जी ले लें। मैनेजर साहब को लगी है तलब, दिखाता हूँ मैनेजर साहब कहाँ जा रहे हैं। ये देखो मैनेजर साहब पहुंच चुके हैं एनर्जी लेने, बाकी सारी गाड़ियां जा चुकी हैं। भाई भाई साहब कह रहे थे कि एक गाड़ी है पीछे, बस एक गाड़ी है। हम उनको भी रास्ता नहीं पता है, और उनको भी नहीं पता, और हम लोगों को भी पता नहीं है। बाकी जितनी भी गाड़ी थी सारी जा चुकी हैं। तो देखते हैं अभी बारात में पहुंचते हैं, कैसे ना कैसे तो पहुंचना ही है ना यार, बाराती हैं। ठीक है, ओ भाई पता चला यूटर्न मारना है पीछे गांव। ये होता है जब आपको एड्रेस ना पता हो ना, तो यही होता है। अभी हम लोग को यूटर्न मारना है, यूटर्न मारेंगे उसके बाद फिर जाएंगे। काफी मुश्किल है बेबी। चलो भैया, तो हम लोग पहुंच गए, यहाँ से लेफ्ट मारना है। और ये हमारे गांव के दो नौजवान यहाँ खड़े हैं रास्ता बताने के लिए। ये घुमा हुआ है, ये आ गया भाई, देखो कमरिया बारात, ये लो रास्ता। देखो अकेल अकेल शर्म ना आती, अकेल अकेल खा था, एनर्जी लिया था भाई, एनर्जी सबको दो ना, पीछे भी लड़के बैठे हैं, पीछे नहीं खाएंगे। तो भैया देखो ये गांव मिल गया, हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, अभी आगे चले गए थे हम लोग, फिर वापस यू टर्न मार के आए, लेकिन फाइनली गांव मिल चुका है। और भाई रास्ता देख लो गांव में जाने का, चाहे गाड़ी जाएगी कि सारी गाड़ियां गई हैं। बारातियों का स्वागत हो चुका है पहले ही, हम लोग सबसे आखिरी में है।
देख रहा है विनोद, बरातियों का स्वागत कैसे हो रहा है? ये देखो ये मेरा भाई, देख लो गौर से, देख लो दूल्हा यहाँ घूम रहा है। गौर से देखिए इस इंसान को, यही भाई साहब हम लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, रास्ता बता रहे थे। अरे चार जगह से हमारे यू टर्न मार के हैं कमरिया, ये वो अमन के पते ना, हम लोग आगे चले गए थे। आज का टाइटल जो है वीडियो का, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये क्या है? राजभोग है। राजभोग किसको किसको खाना है? आ जाओ और जल्दी शादी करो यार, बारात लेके जाओ, ऐसे फिर खाने में दोबारा ब्रह्म लोक मिलेगा, बर्फी, राजभोग। और ये क्या है? मिली के कलाकंद, इसको कहते हैं नमकीन, सबसे बढ़िया यही है। आई भी ड्राइवर की शादी होगी ना, तो यही सब खाने जल्दी होने वाली है। आई भी ड्राइवर सोहेल है। तो हम लोग लेते हैं पहले मिठाई का मजा। पहले मिठाई खाई जाए उसके बाद मिलते। तो ये मिल गई देखो निकाह की सिन्नी, और ये देखो बच्चे खा रहे हैं निकाह की सिन्नी। जो निकाह की सिन्नी खाता है उसकी शादी जल्दी होती है। तेरी शादी जल्दी होने वाली है बेटा, सबकी शादी जल्दी होगी। जितने भी लोग निकाह की सिन्नी खा रहे हैं शादी जल्दी जल्दी हो जाएगी सबकी। सबने तो निकाह की सिन्नी खा ली है, अभी हम लोग भी खाते हैं, इसमें देखते हैं है क्या क्या। नज़दीक ला बेटा, ये देखो एक खजूर और ये गरी नारियल का टुकड़ा, एक खुरमा, और इसको क्या कहते हैं, खड़ी शक्कर, खड़ी शक्कर है। तो ये है खाने पे मिलेंगे खाने पे आ गए। ये देखो ये सारा कुछ खाएगा अपना हाईवे ड्राइवर वो सही है यार, मेरी जो पसंद की चीज है मैं वही खाऊंगा, बाकी सब हाईवे ड्राइवर ट्रांसफर अगर दे तो बताना, शर्माना चलो बिस्मिल्लाह। तो भैया जी खाना हो गया खला, डायरेक्ट हम लोग गाड़ी में। सुहेल ने अरशद ने इतना ज्यादा खा लिया बोटी ना कि दोनों को नींद आ रही है, तकिया लगा के सोए हैं, दिखा दो भाई, इतना ज्यादा खा लिया दोनों ने, तकिया लगा के सोना पड़ रहा है। तो आज यही थी हमारी गांव की शादी, छोटा सा झलक दिखा दिया आप लोगों को। और इस शादी में मजाक कर रहा हूँ वैसे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, गाँव की शादी थी तो आना तो था ही। आई बस बंद करो और टाटा बाय बाय। भाई बासी में इतनी ट्रैफिक होने लगी है ना, आप क्या ही बताऊं। हम लोग थोड़ा मार्केट में गए थे, दुकान का थोड़ा सामान लेना था, इतनी ट्रैफिक थी, हमारे मैनेजर साहब परेशान हो गए गाड़ी घुमा घुमा के। हम लोग नीचे उतर गए थे, सामान खरीद रहे थे, ये भाई साहब ट्रैफिक में फंसे थे। ट्यूबलाइट लेना भैया, कहाँ है दुकान? सपनम रहेगा देखो राइट के लिए। अरे भाई मैंने कहा तुमको पता दुकान ना, ये देखो हमारे मैनेजर साहब ऐसे करेंगे। वो ट्यूबलाइट लेनी थी हम लोगों को टेक चैनल के लिए, जो हमने स्टूडियो बनाया छोटा सा, उसके लिए ट्यूबलाइट लेनी है ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की। इटवा में ढूंढ लिया, इटवा में नहीं मिली, तो बासी में देखते हैं, शायद बासी में मिल जाए। तो हमारे मैनेजर साहब दुकान जानते हैं तो कह रहे हैं पहले क्यों नहीं बताया, तो भैया गलती हो गई माफ कर दीजिए। और भाई घर से फोन आया था, घर पे धनकुट्टी भी आ चुकी है धान कूटने, मतलब
जल्दी जल्दी हम लोग जाएंगे घर और फिर धान भी कुटवाना है। आगे 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 लो आगे लो आगे जानते 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 चौधरी 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 सॉरी मौर्या 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 आराम आराम से चलना राइट लेफ्ट साइड से। और लाल कलर का बोर्ड है उस दुकान का जहाँ से हमने लेना है मौर्या मौर्या। एक बार यहाँ से हम लोग सामान ले चुके हैं यार दुकान के लिए, लाइट लिए थे ना हम लोग यहीं से लिए थे बरोबर, लेकिन मैंने नाम नहीं देखा था। तो ये मौर्या जी यहीं है भाई, कहाँ चले? ये देखो ये है मौर्या इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी, ये देखो बहुत बड़ी दुकान है, ये आ गई दुकान, यहाँ से लेंगे। चलो लगता भाई यहाँ मिल जाएगी ट्यूबलाइट है शायद। ये दोस्तों भाई निकाल रहा, लेकिन अब वो जो कलर चाहिए वो मिल जाए तो ठीक है, मेरे ख्याल से है। तो चलो फाइनली ट्यूबलाइट मिल ही जाएगी। अब पता नहीं हमारे लिए निकाल रहे किसी और के लिए, हमारे लिए निकाल रहे हैं। हाँ भैया हाँ रेड नहीं ब्लू पूछो तो भैया ग्रीन कलर मिल चुका है अभी कह रहे हैं, ब्लू कलर पूछ के बताते हैं देखते हैं मिलती है, अगर नहीं मिली तो फिर ग्रीन ही ले लेंगे दोनों, क्या करेंगे यार। भैया जी कह रहे हैं यार दो मिनट लगेगा, मैं ब्लू वाली बता रहा हूँ भाई, पता नहीं दो मिनट से ज्यादा हो गया हम लोगों को टाइम हो रहा है, क्योंकि गाड़ी जो है रोड पे खड़ी है। और एक काम करते हैं ग्रीन कलर सही रही ना यार साहब, ग्रीन ही ले लेते हैं। तो दो ट्यूबलाइट ग्रीन कलर का लेते हैं और बैकग्राउंड में दोनों ग्रीन ही मारेंगे तो देखते हैं कैसा इफेक्ट आएगा, नहीं सही आएगा तो फिर बाद में ब्लू भी मंगवा लेंगे। सही है, अभी भैया लेके आ रहे हैं, देखते हैं कितने की। एक नंबर भाई एक नंबर, एक टू काफी है, नहीं भाई दो चाहिए, लेकिन ब्लू कलर होता तो और जबरदस्त दिखता। दो दे दो, कितने की है? दाम मिल गई भाई, एक ही मिली, एक से काम चलाना पड़ेगा, बाकी गाड़ी में बताता हूँ क्यों एक मिली। तो भाई माइक चालू है, एक ही ट्यूबलाइट मिली यार। वो भाई कह रहे थे कि मैं दूसरी दुकान से आपको लाके दे रहा हूँ, बाजार में इनकी एक और दुकान है मंगल बाजार में, तो फिर उन्होंने फोन किया तो कह रहे हैं कि ग्रीन भी नहीं है ब्लू भी नहीं है, कोई लाइट नहीं है। तो मैंने कहा भैया फिर एक काम करो आप एक ही लाइट दे दो, फिर कह रहे दो तीन दिन में आ जाएगी लाइट तो दो ले लेंगे। अच्छा फिर कह रहे हैं भैया दूसरी दुकान है वहां पे है ब्लू लाइट आप जाके ले लो। मैंने कहा भैया हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि मंगल बाजार में इस टाइम इतना ज्यादा ट्रैफिक होगा ना कि दो घंटे लग जाएंगे। तो मैंने कहा छोड़ो भैया एक ही दे दो, बाद में आके दूसरा ले लेंगे। तो चलते हैं अब जल्दी जल्दी, भैया धनकुट्टी हमारा इंतजार कर रही है। ये देखो कुछ बासी का नजारा, शाम के टाइम बड़ा प्यारा लगता है यार, लाइटें वाइटें होती है ना, क्योंकि पहले 4 साल पहले बासी कुछ और था और अब जो है बासी कुछ और हो गया है। तो नए लोग अगर यहाँ आएंगे 2-4-6 साल के बाद ना, जो 6-5 साल से जिन्होंने बासी नहीं देखा है तो वो तो कहेंगे भाई कहाँ आ गया मैं, मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो फाइनली जी हम लोग पहुंच गए घर पे, आधा घंटा हो गया पहुंच के, 6 बज चुके थे पहुंच के, मतलब अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा अंधेरा अंधेरा है। मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के वीडियो बना रहा हूँ और धनकुट्टी आई और चली भी गई, मतलब धान कूट के जा चुकी है, ये देख सकते हैं यहाँ रखा हुआ है। बाकी एक हमारे स्पीक भाई हैं तो लेके जा रहे हैं धान घर पे रखेंगे। ये देखो ये भूसी जो निकलता है ना धान से, ये भूसी है, ये ठंडी में काम आएगी, अभी ठंड तो चालू हो गई, आग सेकने के काम आएगी ये। तो यही था दोस्तों, और अभी जा रहा हूँ बिलवा, कुछ घर के लिए सामान लाना है तो वो जाके लेके आएंगे, उसके बाद काम ख़त्म। तो इस वीडियो को भी दोस्तों यहीं पर एंड करेंगे। बस उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।